हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज लेकर 35 फीट x 40 फीट का अंदर एक 4 बेडरूम का हाउस प्लान है। यू शेप का अंदर डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाएगा। फर्स्ट उसका 2D प्लान क्रिएट करके नेक्स्ट उसका 3D प्लान में डोर विंडो फर्नीचर किस तरह ऐड किया सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। टाइम लैप्स लगा देता हूं वीडियो को, एंड तक वॉच करते रहना। नेक्स्ट उसका 2D मेजरमेंट प्लान कितना बाय कितना आने वाला है सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। उसका 3D टॉप एंगल व्यू देखने के लिए कुछ इस तरह का देखने के लिए मिल जाएगा आप लोग को। इस डिज़ाइन में प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रखा गया, देख सकते हो। चारों तरफ विंडो देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ इस तरह का डिज़ाइन आने वाला है, नॉर्मल सा डिज़ाइन, यू शेप का अंदर डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है। फर्स्ट एक बेडरूम देखने के लिए मिल जाएगा, एंट्री करके आप लोग को लेफ्ट साइड में एक बेडरूम देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट एक कॉरिडोर देखने के लिए मिल जाएगा आप लोग को, मेन डोर से एंट्री करके। कॉरिडोर का लेफ्ट साइड में एक छोटा सा बाथरूम देखने के लिए मिल जाएगा, कुछ इस तरह का आने वाला है। नेक्स्ट देखने के लिए मिल जाएगा सेकेंड बेडरूम का डिज़ाइन, कुछ इस तरह का आने वाला है। ये 3 नंबर बेडरूम का डिज़ाइन कुछ इस तरह का आने वाला है। नेक्स्ट देखने के लिए मिल जाएगा एक हॉल रूम एंड डाइनिंग हॉल देखने के लिए मिल जाएगा, कुछ इस तरह का आने वाला है। नेक्स्ट देखने के लिए मिल जाएगा एक एल शेप के अंदर किचन का डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ, छोटा सा किचन देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट देखने के लिए मिल जाएगा 4 नंबर बेडरूम कुछ इस तरह का आने वाला है। और यह 3D टॉप एंगल भी कुछ इस तरह का देखने के लिए मिल जाएगा। 3D और 2D वीडियो देखने के लिए इंटरेस्ट है तो आसाम सिविल हाउस डिज़ाइन चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक करके रखना, ऐसा न्यू हाउस डिज़ाइन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। कितना रूम का डिज़ाइन चाहिए कमेंट करके बता सकते हो, वीडियो मिल जाएगा। चलिए इसका 2D मेजरमेंट प्लान देख लेते कितना बाय कितना आने वाला है। ये इसका 2D घर का नक्शा है, 35 फीट 0 इंच x 40 फीट 0 इंच का अंदर। टोटल स्क्वायर की बात करें तो 1400 स्क्वायर फीट का अंदर टोटल एरिया आ जाएगा। यू शेप का अंदर ये डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है। करके आप लोग को एक बेलकनी देखने के लिए मिल जाएगा। इसका मेजरमेंट रहेगा 17 फीट 0 इंच x 14 फीट 11 इंच। बेलकनी का लेफ्ट साइड में देखने के लिए मिल जाएगा फर्स्ट बेडरूम, बेडरूम का मेजरमेंट रहेगा 11 फीट 0 इंच x 11 फीट 6 इंच। नेक्स्ट एक कॉरिडोर देखने के लिए मिल जाएगा, कुछ इस तरह का आने वाला है। कॉरिडोर का लेफ्ट साइड में देखने के लिए मिल जाएगा एक बाथरूम, कुछ इस तरह का आने वाला है। बाथरूम का मेजरमेंट रहेगा 5 फीट 6 इंच x 5 फीट 11 इंच। सेकेंड बेडरूम का मेजरमेंट देखने के लिए मिल जाएगा 11 फीट 0 इंच x 10 फीट 6 इंच। 3 नंबर बेडरूम का मेजरमेंट देखने के लिए मिल जाएगा 12 फीट 0 इंच x 10 फीट 6 इंच।
हॉल रूम एंड डाइनिंग का मेजरमेंट देखने के लिए मिल जाएगा 10 फीट 6 इंच × 14 फीट 11 इंच। किचन का मेजरमेंट देखने के लिए मिल जाएगा 10 फीट 11 इंच × 12 फीट 0 इंच। 4 नंबर बेडरूम का मेजरमेंट देखने के लिए मिल जाएगा 12 फीट 0 इंच × 11 फीट 6 इंच। ये आपका 2D मेजरमेंट प्लान कुछ इस तरह का आने वाला है। 3D टॉप एंगल भी कुछ इस तरह का देखने के लिए मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। कितना रूम का डिज़ाइन चाहिए कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो मिल जाएगा और फुल वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू फॉर सो मच। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऑल माय टू फैमिली फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय।